दोस्तों, यदि आपके मोबाइल का नेट स्लो चलता है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिए और अपने मोबाइल फ़ोन में इन दो सेटिंग को इनेबल कर दीजिए तो आपका मोबाइल का जो नेट है वो बिल्कुल रॉकेट से भी तेज चलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वो दो सेटिंग क्या है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देनी है दोस्तों, और साथ ही साथ इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल वाले सेलेक्ट करके ऑन कर लेना है। बस ये छोटी सी काम करने के बाद आप यहाँ पर फ़ोन में सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाए। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, इस वाले सेक्शन पर टाइप कीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। आप जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हैं, जिसमें भी आपने डेटा को ऑन किया हुआ है, उस सिम को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं जियो का नेट यूज करता हूँ और फर्स्ट नंबर के सिम स्लॉट में मैंने यहाँ पर सिम को लगा रखा है, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट सेटिंग है आप देख सकते हो, नेटवर्क मोड। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेटवर्क मोड में यदि आपके मोबाइल का यहाँ पर 3G प्रीपेड, 2G या 3G ओनली या 2G ओनली हो रखा है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो 4G प्रीपेड, 3G 2G, इस वाले सेक्शन को आप टच कीजिए और इसको सिलेक्ट करके रखिए अपने मोबाइल में। जो पहला काम है आपको ये करना है, ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाना है एक्सेस पॉइंट नेम APN। तो फ्रेंड्स, हमें अपने मोबाइल का यहाँ से APN को सेटिंग करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ से टच कीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर मेरे मोबाइल में यहाँ पर न्यू APN वाला ऑप्शन मिलता है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपने मोबाइल में यहाँ पर प्लस का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू APN वाले सेटिंग पर यहाँ पर ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपको देखने को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर नेम में जाना है। यहाँ पर आप जो भी सिम यूज कर रहे हैं वही यहाँ पर लिखे, तो चलिए मैं यहाँ पर जियो का सिम यूज करता हूँ, तो यहाँ पर www.jio.com टाइप कर देता हूँ। यदि आप एयरटेल का करते हो तो www.airtel.com, या फिर आइडिया करते हो तो आइडिया, अगर यदि वोडाफोन का करते हो तो vodafone.com इस तरह से टाइप कर देना है आपको। देन यहाँ पर आपको APN मिल जाएगा सेकंड नंबर पे, इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। प्रॉक्सी पोर्ट इस सभी को छोड़ देना है, एंड यहाँ पर आ जाता है यूजर नेम। सॉरी दोस्तों, आपको APN में यहाँ पर टाइप करना है आपको यहाँ पर जियो नेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जियो और देन यहाँ पर नेट को कैपिटल टाइप करना, NET, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यही मेन सेटिंग होता है यहाँ का। तो इस तरह जियो नेट को यहाँ पर ओके डन। देन इसके बाद प्रॉक्सी को नहीं छेड़ना है, पोर्ट को नहीं छेड़ना है, एंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको यूजर नेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजर नेम में आपको टाइप करना है www.google.com। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को क्योंकि यहीं से आपके मोबाइल का नेट फास्ट तरीके से चलने लगेगा। तो यहाँ पर आपको www.google.com टाइप करना है, देन डन कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड को नहीं छेड़ना है, एंड आ जाना है आपको सर्वर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्वर में भी आप यहाँ पर google.com ही आप यहाँ पर टाइप कीजिए। इस तरीके से टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा नीचे MMSC को नहीं छेड़ना है, प्रॉक्सी को नहीं छेड़ना है, MMS पोर्ट को नहीं छेड़ना है, MCC आप यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपके मोबाइल में यहाँ पर 405 नहीं हो रखा है तो आप यहाँ पर 405 ज़रूर कर दीजिएगा, एंड यहाँ पर डन कर दीजिएगा। थोड़ा नीचे आइए, आपको यहाँ पर MNC आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 868 लिखा हुआ, इस जगह आपको 865 कर देना है, एंड यहाँ से डन। तो इस तरीके से कर दीजिए। यदि आपके मोबाइल में थोड़ा अच्छा नेट नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर 865 कर दीजिए, चलने लगेगा। यदि आपके मोबाइल में फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर से आप 868 कर दीजिएगा, एंड यहाँ पर आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो इसको भी नहीं छेड़ना है। APN टाइप ये सभी को छोड़ देना आपको। इससे थोड़ा नीचे आए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बैरियर, तो बैरियर वाले सेक्शन पर टाइप कीजिए। देख सकते हो यहाँ पर अभी यहाँ मेरा टिक मार्क है अनस्पेसिफाइड पे, तो इस जगह आपको यहाँ पर LT वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इस तरीके से आपको ये सारा सेटिंग यहाँ पर
कर देना है। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव वाला, यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर डन लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर थ्री डॉट देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपके मोबाइल में वहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से सेव कर दीजिए। मेरे मोबाइल में यहाँ पर डन का है तो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने जो जियो का APN सेटिंग है उसको सेटिंग कर दिया है, तो मेरा नेट फास्ट तरीके से चलने लगेगा। दोस्तों इतना सा काम कर लेने के बाद आपको सिंपल सा अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, तो आपके मोबाइल का नेट फास्ट तरीके से चलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये दोनों सेटिंग आपको काफ़ी पसंद आएगी। यदि दोस्तों इसके बाद भी यदि आपके मोबाइल का नेट फास्ट तरीके से नहीं चल पाता है, तो सिंपली आप यदि जियो का सिम यूज करते हैं तो जियो के कस्टमर केयर को एक बार ज़रूर फ़ोन लगाए, उनसे बातचीत कीजिए कि हमारे मोबाइल में नेट फास्ट नहीं चल रहा है, तो वो आपको वहाँ से एक सेटिंग भेजेंगे अपने मोबाइल को, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा, देन इसके बाद स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिएगा, तो आपके मोबाइल का नेट अच्छी तरीके से चलने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।